भारत मणिपुर खाना जंगी में मोदी सरकार का रियासती असला इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मणिपुर फसादात में अब तक 400 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। रवां बरस 3 मई से भारतीय रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद वाकयात का सिलसिला ताहाल जारी है, जबकि मिट्टी और कोकल कबाइल के दरमियान नस्ली तसादुद ताहाल खत्म नहीं हो सका। मणिपुर पुलिस की जानिब से तस्दीक की गई है कि शुमाल मशरकी रियासत के मुख्तलिफ थानों में असला खानों से असला और गोला बारूद लूट लिया गया, जबकि लूट मार के वाकयात रियासत के मुख्तलिफ इजलास से रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5668 की तादाद में राइफल्स और दीगर असला लूटा गया है। भारतीय पुलिस स्टेशन में इंडियन राइफल्स कमांडर पलटून की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR के मुताबिक शरपसंदों ने 28 मई को इनके हेडक्वार्टर पर धावा बोला। लोगों ने 322 इंसान राइफल्स, AF राइफल्स और मुख्तलिफ दीगर जदीद गोला बारूद कब्जे में ले लिया। पुलिस में दर्ज एक और FIR में कहा गया है कि मुख्तलिफ जदीद तीन हथियार के साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स, सेल्स गार्ड हेलमेट्स और फायर स्टिक्स भी चोरी की गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हथियार 2 मरहले में लूटे गए, पहले 3 मई से कबल और दूसरा 27 मई यानी इसके बाद लूटे गए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 से अब तक मणिपुर फसादात में 1118 जख्मी, 33 अफराद लापता और 5172 जलाओ गराव के वाकयात रुनुमा हो चुके हैं। भारतीय रियासतदान लोगों से हथियार वापस लेने की फरियाद कर रहे हैं और इन्होंने लोगों को हथियार डालने पर राजी करने के लिए मजीद वक्त भी तलब किया है।